नमस्ते व्यूअर्स, हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को ये एमके चस्ट्रो वास्तु योगा चैनल से आपके लिए स्वागत है। यहाँ पे आज हमने ज्योतिष शास्त्र के बहुत ही बेसिक सा बेसिक्स कॉन्सेप्ट लेकर आया है कि ताकि दर्शकों को पता चले कि ज्योतिष क्या होता है, ज्योतिष के बारे में बेसिक्स क्या होता है, और अभी ज्योतिष अध्ययन के बारे में हम कैसे आगे जुड़ सकते हैं इसके लिए। और आज मेरे साथ है हीरल पारिक, इन्हों भी ज्योतिष और वास्तु शास्त्र का एक्सपर्ट है, वो भी इनपुट करेंगे डिटेल्स में। और मैं ज्योतिष आचार्य मंजुनाथ। अभी हम एक सरल प्रेयर से हम एक स्टार्ट करेंगे हमारा वीडियो। पहले गणपति का मंत्र। नमस्ते व्यूअर्स, तो हम गणपति जी के आराधना से आज का वीडियो शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। धन्यवाद जल जी। अभी आपके लिए अभी हमारे पास आए आज हीरल पारिक ज्योतिष आचार्य। अभी यहाँ पे क्या है कि हीरल जी ने बीएससी ग्रेजुएट किया है, उसके साथ में अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इनका काम है, साथ ही साथ में इनका बहुत ज्योतिष और जो भी रहस्य विद्याओं से बहुत रुचि है। इस चीज के लिए अभी उन्होंने आज ज्योतिष के बारे में बेसिक्स हमारा पढ़ाने के लिए हमारा चैनल में आ गए हैं। हम और उन्होंने मिलके अच्छा सा बेसिक्स से स्टार्ट करते हुए एडवांस का जो भी ज्योतिष का कॉन्सेप्ट है हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। वेलकम हीरा। नमस्ते मंजुनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। आप जैसे विद्वान ज्योतिष वास्तु आचार्य मंजुनाथ जी के साथ जुड़कर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और क्या बताओ, आपने तो बहुत कुछ ही साधना कर ली है। भारतीय विद्या भवन से आपने सीखा है और फिर इंजीनियरिंग का बेस होते हुए भी ज्योतिष में, अकल साइंसेस में इतना आपने रिसर्च किया है, उसके लिए मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। और काफी कुछ आपने वीडियोस वगैरह भी किए हैं न्यूज में, और ऐसे व्यक्ति से जुड़कर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा मीरा जी, हम दोनों मिलके अभी आज हमारे दर्शकों के एमके चस्त्र वास्तु योगा चैनल में हम बता रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, मतलब ज्योतिष क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। बहुत सारी व्यूअर्स को, दर्शकों को ये डाउट होता है कि हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ से अंत करें, वो चीज हम हमारे दर्शकों को क्लैरिटी देना चाहिए। इसीलिए आप ज्योतिष का जो भी बेसिक डेफिनेशन होता है उसी से आप शुरू कर दीजिए। जी जरूर। तो सबसे पहले तो मैं सारे लोगों से ये कहना चाहूंगी कि हम सबकी जिंदगी में ऐसा दिन आता है जो हमारे लिए बहुत ही यादगार दिन हो जाता है, भले वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो। कभी अचानक से हमें कोई कोई अपॉर्चुनिटी आती है और फिर हम जैसे कि कहीं और नौकरी मिल गई, अच्छी सी नौकरी मिल गई, तो वो हमारी पूरी जिंदगी अच्छी कर देती है। और कभी कभी कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर उसमें जो हमारा लॉस होता है, हम जो हमारे हमसे छीन जाता है, तो कभी बाद में हम लोग सोचते हैं कि वही दिन पे ये सब क्यों हुआ, अगर ये नहीं होता तो, अगर मैं इसे रोक पाता तो कितना अच्छा होता। तो यही पे हमें ज्योतिष का जो जो विद्या है वो हमें काम लगती है, कि ज्योतिष ऐसी विद्या है कि वो हमें सिखाता है, हमें तैयार रखते हैं कि आने वाला कल कैसा है। अगर अच्छा है तो उसका हम पूरा फायदा उठा सकते हैं, और बुरा है तो हम उसके लिए कुछ ध्यान सावधान रह सकते हैं। लेकिन ये ज्योतिष है क्या? ज्योतिष दो अक्षरों से बना है, यानी कि ज्योत और ईश। ज्योत यानी प्रकाश और ईश माने हमारे ईश्वर। तो यही ज्योतिष है जो हमें पूरी विद्या देते हैं, और हमें भगवान ने ये पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है वो पूरा ब्रह्मांड ही भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो हमारी रक्षा करते हैं, हमें आगाह करते हैं कि आने वाला कल कैसा है। और यही हमें एक बहुत ही अच्छी आत्मा भी बनाता है। हमारे सारे कर्म जो बोलते हैं वो भी हमें पार करने में, हमारे पूरा करने में, हमारे कर्म को पूरा करने के लिए हमारी बहुत ही मदद करते हैं। तो इसी ये एक बोलते हैं कि ये पूरा गणित शास्त्र है, ऐसा नहीं कि हम हवा में बात करें, पूरा गणित शास्त्र है। और जो इसे समझ लेते हैं
वो अपनी लाइफ वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाते हैं। तो आपका क्या कहना है मंजुनाथ जी? धन्यवाद, आपने बहुत मूल का बात बताया ज्योतिष के बारे में। ऐसा हम बात करते हुए हमारा जो भी हमारा क्लाइंट्स आता है और हमारा जो भी हमारा पास छात्र आता है कि ज्योतिष सीखने के लिए, हम डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं। अभी इंग्लिश का डेफिनेशन होता है एस्ट्रोलॉजी बोलता है इसको। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है ना, एस्ट्रो मतलब उसको खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र में क्या होता है, हम जो नक्षत्र देखते हैं, हम जो स्टार्स प्लैनेट्स ग्रह देखते हैं, वो सभी को क्या है ना खगोल शास्त्र में गिना जाता है। और लॉजी में क्या बोलते हैं हम, लॉजिक बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं ना, कुछ भी हमारा माइंड से हमारा मन से जो अप्लाई करके, मतलब जो भी उसके उसमें डाल के, हमारा कैलकुलेशन डाल के, हमारा हाथ में जो होता है, मतलब ग्रह ये भाव से जुड़ने के साथ, ये ग्रह ये भाव से तो पास, मतलब वहां से मूव होने से ये फल हमको मिलता है, वो चीज का मन को लॉजिक बोलते हैं। लॉजिक अप्लाई करके हम रिजल्ट ले लेते हैं। और कोई भी कुंडली विश्लेषण के लिए पांच बेसिक चीज होना चाहिए, वो होता है जन्म कुंडली है, और एक होता है भाव चलित, और तीसरी है हम को एफिमरीज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं कैलकुलेशन पार्ट में हम जो लेते हैं, जो ग्रह हस्त का पड़े हो, जो ग्रह वक्री हो साथ ही साथ में, और एक है नवांश कुंडली और एक दशाभुक्ति। ये पांच चीजें हमारा जो वीडियो सीरीज है आते आते हमारा दर्शकों के लिए हम डिटेल में ही बता देंगे, मगर ये तो मैं इंडेक्स पढ़ रहा हूँ, जैसा एक पुस्तक का इंडेक्स होता है स्टार्टिंग में, वो चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और एक चीज ज्योतिष में ये है कि हम जैसा भी एक पुत्र या तो पुत्री, मतलब हुअर चाइल्ड नहीं तो चिल्ड्रन, जो भी मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड बर्थ होता है, तब माँ की जो मतलब when the person comes from out from like womb, माँ के पेट से बाहर जब बच्चा आता है, वो बच्चे के लिए सभी कॉस्मोस का सभी effects उसके ऊपर रहता है, सभी ग्रहों को नक्षत्र को effects रहता है। वो टाइम में हम ग्रह एक जो भी हमारा आकाश मंडल का एक चित्रपुट बोलते हैं हम इंग्लिश में, फोटोग्राफी बोलते हैं, वैसा हम खींचते हैं। तब क्या होता है ना, ये ग्रह ये यहाँ पे, ये ग्रह यहाँ पे, इसका ये फल होता है। जैसा इसको सिंपल तरीके से बताना बोले तो आपको पता होगा, हर कोई के पास अभी मोबाइल यूज करता है, नॉर्मली आप मोबाइल यूज करते होंगे, आपके पास जियो सिम होगा, नहीं तो मेरा पास या तो एयरटेल सिम होगा। आपको बात करते करते आपको नेटवर्क अच्छा आता है, वो टाइम में क्या होता है, बहुत सिग्नल क्लियर रहता है। सिग्नल क्लियर रहने का मतलब क्या होता है, आप जहां से बिलोंग करते हैं वो नेटवर्क एरिया आपको बहुत नजदीक में पड़ता है। मेरे को समझो अनक्लियर रहता है वो चीज, कहीं को बोले तो आई पार्ट, मतलब मैं बहुत नेटवर्क से दूर हूँ, ऐसा वो मैं हम जो चित्र जो भी फोटोग्राफी लेता है उसके हिसाब से जो ग्रह पास में होता है उसको बहुत पावर मिलता है, जो ग्रह थोड़ा दूर का पड़ता है उसका ग्रह कम रहता है, ऐसा हम विश्लेषण कर सकते हैं। ये इंटरप्रिटेशन पार्ट में जो भी मैंने पांच आइटम्स बताए, कंपोनेंट्स बताए, साथ ही साथ में ऐसा हम इंटरप्रिटेशन करें तो बहुत ईजी होता है। और हम प्रेडिक्शन को क्या बोलता है, मतलब जो भी फलित ज्योतिष में क्या होता है, वो एक बोलता है इंग्लिश में प्रेडिक्शन इज अ प्योर आर्ट, मतलब इसमें कॉमर्स साइंस कुछ भी नहीं होता है, आपका हर एक का आर्ट होता है। आप कुछ तरीके से कुंडली विश्लेषण करते हैं, मैं कुछ तरीके से कुंडली विश्लेषण करता हूँ, ये बात नहीं है कि आप गलत है हम मैं सही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक का एक और नजरिया होता है कुंडली देखने का और विश्लेषण लगाने का। ये चीज एस्ट्रोलॉजी बेसिक्स में भी आ गया और कुंडली जैसा विश्लेषण करते हैं ये चीज आता है। और आने वाले दिन में हम एक एक करके बेसिक से एडवांस तक हमारा चैनल में एमके एस्ट्रो वास्तु चैनल में कवर करेंगे। जी जरूर, बहुत बहुत ही अच्छा आपने ज्ञान दिया हमें। और मैं कुछ इसमें कहना चाहूंगी कि हमारे जो नवग्रह होते हैं, जो जिसके बेसिस के ऊपर हम ये कुंडली का विश्लेषण करते हैं, उसमें सबसे अच्छा सबसे पावरफुल जो है, जो राजा कहते हैं हम, वो है सूर्य देवता। सूर्य से जैसे ही हमें ऊर्जा मिलती है और सब कुछ होता है ऊर्जा की वजह से, वैसी ही ऊर्जा सूर्य के द्वारा हमारी कुंडली में भी आता है। और जो प्रकाश उनसे मिलता है, जो ज्ञान का प्रकाश हमें मिलता है, वो सूर्य से ही मिलता है। तो अगर किसी की कुंडली में सूर्य अच्छे से बैठे हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति सीख सकते हैं ज्योतिष। तो
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य कहाँ पे है, और बिल्कुल उसी की तरह हमारे लाइफ में हमारे हमारे जो भी वक्ता है, हमारे जो भी लोग हैं, उन सब के ऊपर उनकी कृपा होगी, ऐसी आशा करते हुए हम आगे के वीडियोस अपलोड करेंगे। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके मंजुनाथ जी, तो हमारे सारे दर्शकों से उम्मीद करती हूँ कि अपने फीडबैक दे और हमें मौका दे कि हम आगे भी खुद भी सीख पाए और सीखते सीखते सबको जो हम सीखे हैं वो हम शेयर कर पाए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद व्यूअर्स, ऐसा ही हमारा चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहिए, हमारे शास्त्रोवास्तु चैनल को लाइक करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए और भी वीडियो देख लीजिए। पूरा देखने के लिए मैं भी एमके शास्त्रोवास्तु चैनल से धन्यवाद कहते हूँ। आज का वाणी के लिए विराम चाहता हूँ। नमस्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमस्ते।